Hello, dear students. Today we will discuss worksheet number four: Electron, Proton, and Neutron. Students, do you know what are electrons, protons, and neutrons, and where are they situated? Dear student, as you know, earlier scientists like Dalton proposed that atom is extremely small and indivisible. Later, it was discovered that electron, protons, and neutrons are constituents of an atom. These are called subatomic particle. Let's know about. यानी कि टोल्टन ने कहा था कि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता यह एक स्मॉल पार्टिकल है लेकिन एटम्स जो मिलकर बना होता है तीन अन्य पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूटॉन कहते हैं अब इनके बारे में जानेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे जे थॉम्सन ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वन मार्क्स में इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई से इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश है नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ऑफ आइटम इन ऑर्बिट्स ऑल्सो नोन एज सेल यानी ये एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में अपने अपने सेल में आप इधर राइट साइड देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ये अपने सेल में आउटर मोस्ट सेल में चार हैं इलेक्ट्रॉन इसमें और इनर में टू हैं तो छः इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल प्रोटॉन प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ई गोल्ड स्टीन प्रोटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम प्रोटोन में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है दोनों का चार्ज सेम होता है बट अपोजिट चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं राइट साइड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ये प्रश्न आ जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल मींस इट हैज़ नो चार्ज न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस तो आप ये देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन आप देख सकते हैं इधर ठीक है ये न्यूट्रॉन है सिक्स नाविक में जो है ये प्रोटोन है ये भी नाभिक में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स द चार्ज ऑन प्रोटोन इज पॉजिटिव आपको यहाँ लिखना है पॉजिटिव द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ठीक है डैश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक डैश डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्पसन आप भी देख सकते हैं आप ये है जे जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन आप इसमें से देख देख कर लिख सकते हैं अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम है जे जे थॉम्सन सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मैं ओरली बता रहा हूँ और इसमें से आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन ठीक है एवरीथिंग इज गिवन इन दिस वर्कशीट अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इलेक्ट्रॉन्स पे हम देख प्रोटोन और न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन कौन से होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम पहले ही बता चुके हैं नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटोन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज पोशन इलेक्ट्रॉन होते हैं कोश में शैल में होते हैं ठीक है यानी न्यूक्लियस के बाहर ये चक्कर लगाते हैं तो पोशन पे फाउंड इन ऑर्बिट्स रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स ठीक है proton इन द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन also इन द न्यूक्लियस नाभिक में होते हैं सिम्बल्स इलेक्ट्रॉन का e प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true और फॉल्स तो ट्रू फॉल्स करना है द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज तो ये क्या होगा? गया फॉल्स जैसे तो हम काट देते हैं द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ये राइट हो गया द प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज ये भी राइट है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियस ये भी राइट है जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटोन तो ये गलत है क्योंकि प्रोटोन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन तो इस तरह से आपने ये छोटी सी वर्कशीट करी है और सबके आंसर ऊपर ही दिए हुए हैं आप इसमें से देख सकते हैं